हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DDU यानी दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, जो आपका कहाँ पे है, गोरखपुर में है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि BSc एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वह अभी हाल ही फ़िलहाल में हुआ है। तो DDU का जो आंसर की है, यानी BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आंसर की है, उसे कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से करें और आंसर की कैसा है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। तो आंसर की डाउनलोड करने से पहले हम BSc एग्रीकल्चर यानी DDU के में BSc एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर चर्चा कर देते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर की जो हैं 150 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप दिए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि DDU के अंदर BSc एग्रीकल्चर की 150 सीटें हैं, प्लस DDU से रिलेटेड यानी DDU में BSc एग्रीकल्चर की जो सीटों के अलावा इसके 3 अफिलेटेड कॉलेज भी हैं, जो कि आपका एक BRD PG कॉलेज जो देवरिया में है, एक NPG कॉलेज जो आपका कहाँ पे है, बड़हलगंज में है, और एक BUDDHA PG कॉलेज, ये भी आपका कहाँ पे है, देवरिया में है। तो दोस्तों, यह 3 कॉलेज अफिलेटेड कॉलेज हैं DDU के। तो इसमें भी आपको BSc एग्रीकल्चर की 150-150 सीटें देखने को मिली होंगी। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हालांकि बहुत सारे बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का होगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को एक सिंपल सा चीज़ बता देते हैं कि आज से 3 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, आज से 3 साल पहले यानी 2019-20, 2021 और 2022-23 यानी 3 साल हो गए हैं। 3 साल के अंतर्गत DDU का रिकॉर्ड रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद BSc एग्रीकल्चर की जो आंसर की है वह जारी नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना कि DDU जो है 2019-20 में और 2020-21 में और ये दोनों साल जो भी BSc एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है उसका जो आंसर की है वह क्या कर रहा है, जारी नहीं किया है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, DDU आंसर की जारी नहीं कर रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो रिजल्ट हैं आप वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि जब रिजल्ट आएगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। और अगर एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।